हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, SDS विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 विषय गणित अभ्यास 8.0 अभ्यास 8 समझ सकते हैं। इस अभ्यास में एक एक विध दिया है, एक एक विध। अब यहाँ आप समझिए एक एक विध होता है क्या। एक एक विध में पहले हम एक मान का, ठीक, एक मात्रा के मान की गणना करते हैं, ठीक, भाग द्वारा। उसके बाद क्या करते हैं, हम गुणा करके दिए गए वस्तुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया गया, पीछे भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे दिया जाता है कि दो पेन का मूल्य 20 रुपया है, ठीक। तो एक पेन का मूल्य बताइए, या दो पेन का मूल्य 20 रुपया है तो 10 पेन का मूल्य बताइए। इस तरह के सवाल को इसी विधि के द्वारा, इस तरह के जो सवाल होते हैं उसको हम हल करते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा गया है कि 15 किताब का मूल्य 1000 है, ठीक, 15 किताब का मूल्य 1000 रुपया है, तो 10 किताब का मूल्य बताइए, ठीक, 10 किताब का मूल्य बताइए। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम एक एक विधि का प्रयोग करते हैं। अब एक एक विध में जैसे हमने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम भाग देकर एक मात्रा का मूल्य या कुछ भी होता है उसकी जानकारी करते हैं, वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद जितनी संख्या में पूछा गया होता है वह हम उसको निकालते हैं या गणना करते हैं, ठीक। इस विधि द्वारा किसी भी समस्या को हम हल करने के दो चरण होते हैं, या दो नियम होते हैं। एक, भाग अथवा गुणा करके हम इकाई जो होता है मात्रा के मान की गणना करते हैं, किससे, भाग अथवा गुणा करके। दूसरा समझिए, गुणा अथवा भाग करके। पहले क्या था, पहले हम भाग करते हैं, ठीक, उसके बाद क्या करते हैं गुणा करते हैं। एक चरण यह हो गया। दूसरे चरण में क्या करते हैं, पहले हम गुणा करते हैं, ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक। तो इस नियम में, इस विधि में यह दो चरण होते हैं। दोनों तरीके से इसको हल किया जाता है। किस पे, क्वेश्चन के अनुसार जो आपको प्रश्न दिया होता है या पूछा गया होता है उसके आधार पे किस चरण को किस तरीके से लिखना है उसको देख के हम हल करते हैं कि हमें इसको इस चरण से हल करना है, ठीक। तो ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जो बताया है आप लोग एक बार दो बार उसको देख लीजिएगा रिपीट करके। इसी पे आधारित आप लोगों का अभ्यास 8.0 में कुछ सवाल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। वहां 2-3 सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। देखिए, इसमें पहला जो सवाल दिया है इस चैप्टर का, दिया है 1/2 किग्रा सेव का मूल्य ₹12 है, तो 1 किग्रा सेव का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सीधे तरीके से जब हल करेंगे आप, तो जैसे हल करेंगे आप तो भाग करेंगे तो 12 भागा 1/2, ठीक। तो जैसे यहां 1 लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 12/1 गुणे, या 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, ठीक। तो 12 × 24, सीधे आपका 24 आंसर आएगा। यह भिन्न में है इसलिए हमने भिन्न में हल किया इसको। इस तरह से आपका यह पहला हल हुआ। अब इसका दूसरा देखिए, इस अभ्यास का 7वां सवाल दिया है, 12 संतरे का मूल्य 3 रुपया है तो 15 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है 12 संतरे का मूल्य क्या है, 3 रुपया है। तो यहाँ पहले हम 1 संतरे का मूल्य निकालेंगे, निकाल के 1 संतरे का मूल्य
उस वह जो मूल्य आएगा, जो पैसा आएगा, वह हम 15 से गुणा करेंगे 15 संतरे का, तब उसका रुपया पूरा निकलेगा। तो यहाँ पे आप 3 को 12 से भाग करेंगे, 12 संतरे का मूल्य रुपया 3, ठीक, क्योंकि इसलिए अब एक संतरे का मूल्य का मूल्य बराबर 3/12, ठीक, आप इस तरह से लिखेंगे। जब भाग देंगे यार तो 3/12, देखिए भाग, तो यह बड़ी संख्या है 12 की छोटी संख्या है, तो दशमलव लगाएंगे, ठीक, 10 यहाँ आएगा, सॉरी हाँ 10 आएगा यहाँ पे, तो 12 गुना कितना होता है 24, कितना बचा 6, 10 और हो गया, 12 × 5 = 60, यह आपका 25 पैसा। यह 25 पैसा क्या आया, दशमलव के बाद है ना, यह रुपये में नहीं है, दशमलव से आया है इसलिए पैसा है। तो यह 25 पैसा क्या हुआ, एक संतरे का मूल्य हुआ। आप इसको जब भाग करेंगे इस तरह से 10.25, यहाँ लिखेंगे आप 10.25, तो अब यहाँ एक संतरे का मूल्य बराबर एक संतरे का मूल्य बराबर 10.25 पैसा या रुपया भी लिख सकते हैं, ठीक, रुपया। तो अब जब एक संतरे का मूल्य कितना हो गया 25 पैसा है या 10.25, तो 15 संतरे का, तो यहां चुकी, अब इसलिए 15 संतरे का मूल्य बराबर मूल्य बराबर 10.25 × 15, ठीक, जब गुणा करेंगे आप, गुणा कर लीजिए, वैसे ये गुणा करने पे 15 25 संयम में 3.75, 375 आएगा, 10 हो जाएगा, मतलब 3 रुपया 75 पैसा, ये आपका रुपया, ये आंसर होगा। अब देखिए गुणा करके हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 10.25 है, ठीक, गुणा करना है 15 का, तो 5 × 5 = 25, 2 बचा, 5 × 2 = 12 हो गया आपका, 1 × 5 = 5 हो गया, और 1 × 2 = 2 हो गया, ये 5 हो गया, 5 × 2 = 7 हो गया, 2 × 1 = 3 हो गया। जैसे गुणा में दशमलव में आप पता है 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ये 3 रुपया 75 पैसा आ गया। इस तरह से आपका यह सवाल हल होगा या हल हुआ, तो इसको ध्यान से 1-2 बार और देख लीजिएगा। इस तरह के सवाल में सबसे जरूरी होता है कि सवाल क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसको इबारती भी सवाल कहा जाता है। तो अब इस चैप्टर का अगला सवाल, इस चैप्टर का 15 नंबर पे सवाल दिया है, 10 पेंसिलों का मूल्य कितना है 15 रुपया, तो 2 दर्जन पेंसिलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ 10 पेंसिलों का मूल्य कितना है 15 रुपया, तो एक पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम भाग देंगे कितने का, हल करेंगे आप, ध्यान दीजिए इसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ 10 पेंसिलों का मूल्य 15 रुपया दिया है, तो 15/10, जब 15/10 करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, एक पेंसिल का मूल्य पता चलेगा। जब एक पेंसिल का मूल्य पता चल जाएगा तो हमें 2 दर्जन पेंसिलों का मूल्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आसान होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 10 पेंसिलों का मूल्य बराबर 15 रुपया, ठीक है, चूंकि यहाँ इसलिए हो जाएगा एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 15/10, ठीक। अब भाग करेंगे तो 5 × 10 = 5 × 15,
तीन बटा दो, अगर इसको भाग करेंगे तो 1.105 मतलब यह आपका 1.5 रुपया आएगा। ठीक, कितना? 1.5 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य कितना आएगा? 1.5 रुपया। तो इसी आधार पे आप अब पूछ रहा है 2 दर्जन पेंसिलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 1 दर्जन बराबर 12 अदद या 12 लिख सकते हैं। ठीक, 2 दर्जन बराबर 2×12 बराबर 24। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं अदद, तो 2 दर्जन बराबर कितने? 24। तो यहां आप अब लिखेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य, यहां 2 दर्जन का पूछ रहा है ना, 2 दर्जन का मतलब क्या हो गया? 24 पेंसिल का पूछ रहा है। ठीक, कितने का? 24 पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है। तो यहां लिखेंगे, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर 1 रुपया 50 पैसा, इस तरह से 24 हो रहा है ना, 24 पेंसिलों का मूल्य रुपया बराबर 1.50×24 कितना? 24। अब गुणा जब करेंगे आप तो गुणा करिए 1.50×24, 4×9=0, 4×5=20 के 0, 2 बचा, 4×1=4, 2×6, 2×0=0, 2×5=10, 10×0 1 बचा, 2×1=2, 1×3। ठीक, यहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया, ये 6 हो गया, जोड़ेंगे तो 36 हो गया। 2 अंक के बाद 0 है, 2 अंक के बाद 0, यह 36। तो आपका ये कितना आएगा? 36 रुपया, यही 36 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 24 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा? 36 रुपया। तो इस तरह से आप इसमें के अब जो भी बचे हुए सवाल हैं आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और उस आधार पे आप उसको हल करिएगा। आशा करता हूँ जो भी बताया गया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।